हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आ गए हैं हम फोटोसिंथेसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू लेके, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया और इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि बीएससी एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस, नीट एंट्रेंस और जितने भी बॉटनी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सब में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो इन्वॉल्व है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाइट हो गया और एंजाइम्स हो गए। ओके, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका मेन क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा के फास्फोराइलेशन करा के एटीपी बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फास्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू एटीपी। ओके, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये जो फोटोलिसिस होती है वहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है, वहाँ पे मैग्नीज एंड क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जब आप पढ़ेंगे जेड स्कीम पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में, तो वहाँ पे देखेंगे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे बहुत सारे साइटोक्रोम होते हैं, जैसे साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम B6। तो वहाँ पे जो साइटोक्रोम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में यही होते हैं साइटोक्रोम जो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में स्विच करते हैं, सब्सट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रूबीज को बाइंड होने की जगह ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो सब्सट्रेट होता है वो ग्लाइकोलेट होता है जो कि फोटो रेस्पिरेशन कराता है, ग्लाइकोलेट बनता है, फिर फोटो रेस्पिरेशन 3 आर्गेनेल में चलता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया एंड पराक्सीसोम। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन एक्वेरिया ग्रीन प्लांट आर ग्रोन फॉर। एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम में जैसे हम मछली जिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ग्रीन प्लांट क्यों लगा देते हैं, कि इसलिए लगा देते हैं क्योंकि मछली को ऑक्सीजन मिलते रहे, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए एक्वेरियम में हम ग्रीन प्लांट लगाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अ स्ट्रक्चर नोन एज पराक्सीसोम इज एसोसिएटेड विद। तो पराक्सीसोम मैंने बताया ना फोटो रेस्पिरेशन में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया एंड पराक्सीसोम। तो पराक्सीसोम जैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं, पराक्सीसोम जो होता है फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द मीजोफिल सेल ऑफ कैम पाथवे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज प्लांट्स CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकर थ्रू। तो देखिए, दिन में CO2 फिक्सेशन होता है और रात में ब्रेकडाउन होके वो अपना चलाता है केल्विन साइकिल। ओके, तो दिन में ये जो CO2 का फिक्सेशन होता है वहाँ पे रिबुलोज 1'-बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है उसका। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में जो होता है PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है बस, और वहाँ का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फेरिडॉक्सिन होता है। क्रेंज एनाटॉमी फाउंड इन लिप्स ऑफ। तो जो क्रेंज एनाटॉमी होता है, ठीक है, तो क्रेंज एनाटॉमी मीजोफिल सेल के ऊपर बंडल सीज सेल आके लग जाता है। तो क्रेंज एनाटॉमी जो पाया जाता है वो C4 प्लांट में पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा लॉस ना हो, हम फोटो रेस्पिरेशन ना करें और उससे बचे रहें, इसलिए वहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी मिला देखने को। अगला क्वेश्चन, इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जो होता है वहाँ पे PS सेकेंड नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ PS फर्स्ट होता है और इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होता है और ओनली ATP जनरेट होता है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ना आगे देखेंगे इसी पॉइंट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, विच क्लोरोफिल मालिक्यूल डज नॉट हैव ए फाइटल टेल। तो वो कौन सा क्लोरोफिल मालिक्यूल है जहाँ पे फाइटॉल टेल नहीं होता है, फोर फायरिंग हेड रिंग होता है और फाइटॉल टेल होता है क्लोरोफिल में, लेकिन क्लोरोफिल सी में बस हेड होता है, टेल नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रेसिंग आउट ऑफ द पाथ ऑफ कार्बन। मतलब केल्विन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था डार्क रिएक्शन, तो उसमें कैसे पता लगाया था कि जो कार्बन है उससे कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्लोरेला और सेंडेस्मस एल्गी का यूज किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है,
विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये फोटोलिसिस वाला बहुत जगह क्वेश्चन आप देख चुके हैं। तो इसमें क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑप्शन के साथ मैग्नीज भी होता है, कहीं कहीं कैल्शियम भी लिखा होता है, तो कैल्शियम को आप भी कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन सीफो प्लांट इनिशियल सी ओ टू फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ, तो देखिए सीफो प्लांट में जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो बंडल सीट सेल में होता है, ठीक है, पहले बंडल सीट सेल में आता है, एक बनता है कंपाउंड जैसे ओ ए मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड जाता है आपका मीजोफिल सीट सेल में, ओके, तो वहाँ पे आपका चलता है कैल्विन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन, तो फिर से वही क्वेश्चन, मैग्नीज एकदम सिंपल है। ए ग्रेनाइल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन, तो जिसमें ग्रेना नहीं होता है ऐसा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है, ऐसा क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा सी फो प्लांट में, ठीक है, बंडल सीस सेल में ए ग्रेनाइल क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट मोस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये लग रहा है रॉन्ग टिक है, 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर होता है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 660 सही होना चाहिए, तो आप इसे देख लीजिएगा, मतलब पार होता है ना फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन होता है 400 से 700 नैनोमीटर का, तो 660 सही भी है, ओके, इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, पीएस सेकेंड में तो यही 660 ही जाके काम करता है, तो यही कर सकते हैं, ओके। अगला चलते हैं, विच आर रिलेटेड टू फोटो रेस्पायरेशन, तो फोटो रेस्पायरेशन से प्रोक्सीसोम रिलेटेड एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी फो प्लांट, ये भी सिंपल है, शुगर केन सी फो प्लांट, ओके। देखिए सी फो प्लांट का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि सी फो प्लांट जो होते हैं मैक्सिमम मोनोकार्ट होते हैं ना, लेकिन डाईकार्ट में सी फो प्लांट आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, तो डाईकार्ट का जो सी फो प्लांट होता है वो अमेरेंथस, ठीक है, अमेरेंथस, आप अमेरेंथेसी फैमिली में, मतलब शायद अमेरेंथस को हम क्या बोलते हैं, चौलाई बोलते हैं शायद, हाँ चौलाई वाला साग वाग बना के आप खाते होंगे, पकौड़ी बना के, तो चौराई जो होता है अमेरेंथस और सी फो प्लांट है वो डाईकार्ट का। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ सी थ्री प्लांट इज, तो सी थ्री प्लांट जो होते हैं उसमें केल्विन साइकिल जब चल पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है 3PGA, मतलब 3-phosphoglyceric एसिड बनता है, ओके। अगला क्वेश्चन, फेरिडॉक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, तो फेरिडॉक्सिन आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो फेरिडॉक्सिन होता है पीएस फर्स्ट का वो कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन, करेंट परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फियर, 0.03%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और सारे तो जानते ही आप सब। अगला क्वेश्चन, आइसोटोप यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस वेयर, तो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान मतलब उसको पाथ को हम लोकेट करने के लिए बहुत सारा, जैसे ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व हो रहा है, तो रूबेन कामन हैसिद ने O18 का यूज किया, जो केल्विन थे उन्होंने C14 का यूज किया पाथ पता करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी, ओके, तो ये 4 राइट आंसर होगा। P680 इज रिलेटेड टू, तो P680 रिलेटेड है आपका PS सेकेंड से और P700 रिलेटेड है PS फर्स्ट से, ओके। अगला क्वेश्चन, NADP रिड्यूस टू NADPH2 इन, तो जो ये होता है रिड्यूसिंग पावर NADPH2 को बोलते हैं, ये कहाँ पे बनता है, तो रिड्यूसिंग पावर ये जो बनता है PS सेकेंड में बनता है, NADP रहता ही है वाटर की स्प्लिटिंग से, हाइड्रोजन बेचारा दौड़ के आता है इससे ज्वाइन होकर बना देता है अपना काम कर देता है। अगला क्वेश्चन, हिल्स रिएक्शन कंप्लीट इन, तो हिल्स को लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, ओके, सिंपल है। हु डिस्क्राइब C4 पाथवे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हैच एंड स्लैक साइकिल हम C4 पाथवे कहते हैं, तो हैच एंड स्लैक ने सबसे पहले C4 पाथवे को डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ ATP एंड NADPH2 रिक्वायर्ड इज, तो देखिए 18 ATP जरूरत होती है और 12 NADPH2, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर जो होता है वो PEP होता है, फॉस्फोइनाल पाइरुविक एसिड। अगला क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस प्लांट यूजुअली सर्वाइव इन, कभी आपने सोचा है क्या कि ये जो प्लांट है उनको क्या ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि वो कीड़े मकोड़े पकड़ के खाने लगे, भैया वो फोटोसिंथेसिस तो कर रहे थे अपना, वो करते भी हैं
लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांटोवा को ऐसा मतलब क्या मुसीबत आ पड़ा कि वो कीड़े मकोड़े पकड़ के खाने लगे, मतलब भाई अजीब होगी ना, इसलिए खाने लगे क्योंकि जहाँ पे वो ग्रो करते हैं ना, ठीक है, वो ऐसा एडॉप्ट किए हैं कि जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी है। अब बेचारे को जब सॉयल में तो नाइट्रोजन है नहीं, ओके, सॉयल में नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो भैया उसको तो नाइट्रोजन चाहिए ना, उसको प्रोटीन बनाना है, उसको अमीनो एसिड सारा फंक्शन करने के लिए एंजाइम चाहिए उसको, और जैसा कि आपको पता है प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डर ऑफ द सेल, ठीक है, सारा चीज़ प्रोटीन पे ही निर्भर है, तो उसको अब नाइट्रोजन मिलेगा कहाँ, ठीक है, कहाँ से, तो वो क्या करेगा, सॉयल में नाइट्रोजन रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, कीड़े मकोड़े को पकड़ के खाएगा। अब आप सोचेंगे भाई कीड़े मकोड़े खा रहा है तो उसको नाइट्रोजन कीड़ा कहाँ मिल रहा है, आपको जैसा पता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं, तो उनका जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन में आपको पता है सब बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो इससे उनकी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। और इंसेक्टिवोरस के प्लांट में एक इकोलॉजिकल व्यू ये भी है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो दो ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं, ट्रॉफिक लेवल वन एंड ट्रॉफिक लेवल थर्ड। कैसे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और खाते भी है कीड़े मकोड़े के पकड़ के। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन अच्छा पॉइंट है तो बता दिया, आगे चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इन, तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन, पीएस सेकेंड, बहुत सारे आंसर हो सकता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप चूज करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हु प्रूव दैट ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर, किसने बताया कि जो ये फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो वाटर से आता है। पहले लोग सोचते थे CO2 से आता होगा, लेकिन रूबेन कामन हसीद आए तो उन्होंने O18 का यूज किया, ठीक है, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप का यूज किया, और उन्होंने बता दिया कि ये जो वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, अभी तो यही क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था, चलिए फोटोलिसिस। अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिस्कवरी ऑफ केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल के लिए क्लोरेला सेंडेसमस, सिंपल क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम क्या होता है, तो रूबिस्को और RUBP कार्बोक्सिलेज को हम रूबिस्को एंजाइम भी बोलते हैं, ये मतलब कह सकते हैं बायोलॉजिकल, मतलब अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, O2 रिलीज्ड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे वाटर से। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट इसलिए यहाँ पे भी हो रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बार बार पूछी गई हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसको लिख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है और अपने एग्जाम में फोड़ के आना है। ओके, द C4 प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट विथ रिफरेंस टू द, C4 प्लांट C3 प्लांट से कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिफरेंट होता है, C3 प्लांट में RUBP होता है, C4 प्लांट में PEP होता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, केल्विन साइकिल अकरिंग, तो केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, सबको पता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन विच इज रिपीटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, तीन बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वाटर से आता है, याद रखिए, भूलिएगा मत कभी। अगला क्वेश्चन, विच वन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन मैंने पिछले बता चुका हूँ, पीछे इसी वीडियो में, कि जो ये साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता है वहाँ पे सिर्फ ATP बनता है, वो भी कितना ATP बनता है, वो 2 ATP बनता है। अगला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेट अप एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस एज फॉलो, उसने क्या किया, ही टेक सोडा वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड एड अ क्लोरोफिल इनटू द कंटेंट्स एंड कीप द टम्बलर एक्सपोज टू सनलाइट, उसने उसमें सोडा वाटर लिया, क्लोरोफिल ऐड किया और उसको क्या किया, सनलाइट में रख दिया, ठीक है, और उसने जो भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट थे, ठीक है, जो भी जरूरती थी फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे CO2 वाटर क्लोरोफिल लाइट सब दिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि हम बता दें, जैसे यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ द
इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये सब हो सकते हैं, लाइट रिएक्शन चला सकते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन ये सब नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम उनजाइम सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एजम्पशन होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटो रेस्पायरेशन इज, तो फोटो रेस्पायरेशन में जो पहला रिएक्शन होता है वो ऑक्सीजनेशन का होता है, ऑक्सीजन आता है आर यू बी पी से बाइंड हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय, तो लिमिटिंग फैक्टर का इन फोटोसिंथेसिस दिया था ब्लैकमैन ने, उन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है ना, तो उसको जो रेट को कंट्रोल करता है, रेट को डिटरमाइन करता है जो कम अमाउंट में कोई भी चीज़ प्रेजेंट होता है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो समझ लीजिए वो रेट को लिमिट करने लगा। अगर कहीं लाइट की कमी है, जो कम मात्रा में होगा वही लिमिट करेगा। यहाँ पे अगर एनालॉजी में आपको बता सकता हूँ, आप है अपने आपके बड़ी बहन, बड़े भाई, छोटा भाई, ठीक है, तीन लोग, तो एक आपसे बड़ा है, एक आप है, एक आपसे छोटा बच्चा है, समझ लीजिए छोटा है, दो तीन साल का तो दौड़ेगा नहीं, 6-7 साल का है, आप हैं और आपका बड़ा भाई बड़ी बहन है, तो आप तीनों लोग पैर में पैर बांध के दौड़ रहे हैं, तो आपका जो दौड़ने का स्पीड है वो कौन तय करेगा? वो तय करेगा वो छोटा बच्चा जो सबसे धीमा दौड़ रहा है। अगर आप अकेले होते तो भाई जीत जाते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा आपका रेट को लिमिट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक पेन होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 प्लांट RUBP होता है, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम की सहायता से यह CO2 से बाइंड होता है, फिर बनाता है आगे का अपना। अगला क्वेश्चन, इंसेक्टिवरस प्लांट ग्रोइंग इन सॉइल विच आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इस पर हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वांटासोम आर फाउंड इन, तो क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस का यूनिट होता है, यहाँ पे 230 मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे देखिए आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने होंगे, O2 इवॉल्व फ्रॉम CO2, गलत बात, H2O से होता है, ATP इज फॉर्म, यस ओके, ATP इज नॉट फॉर्म, बनता है भैया, वाटर इज रिक्वायर्ड एज मीडियम बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन फोटो, भाई लेता है पार्ट, तभी तो स्प्लिटिंग होता है वाटर का, वहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लाइट रिएक्शन होता है, ATP बनता है। ओके, CU इज प्रेजेंट इन, तो CU कहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टोसाइनिन में प्रेजेंट होता है, और आप अगर ऐसे बात करें तो प्लास्टोसाइनिन भी एक, जैसे कि आपको पता है सबका ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे मोलस्का हो गया, ठीक है, मोलस्का में आप बात करेंगे तो वहाँ पर हीमोसाइनिन मिलता है, तो हीमोसाइनिन का कंपोनेंट भी कॉपर होता है, थोड़ा अलग पॉइंट है लेकिन याद कर लीजिए। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन किस में, रेड एल्गी में निकलता है ऑक्सीजन, निकलता है, ग्रीन एल्गी में निकलता है ऑक्सीजन, निकलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में निकलता है, निकलता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं निकलता, बैक्टीरिया में सल्फर डाइऑक्साइड H2S यूज होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इवॉल्व नहीं होता है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब देख लीजिए और याद कर लीजिए, ऐसे ही आगे वीडियोज आते रहेंगे, आगे वीडियोज आते रहेंगे, मोस्टली MCQ ही कवर करेंगे, और जो भी आपके आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप हमें बताएंगे, जैसे हमें टाइम मिलेगा बना देंगे। लेकिन हाँ, अब जो भी ये वीडियो आने का फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब सैटरडे एंड संडे को रहेगा, मतलब अगर हफ्ते भर वीडियो आ भी सकती हैं, अगर नहीं आ रही है तो ये मान के श्योर रहिए कि हाँ सैटरडे और संडे को ज़रूर एक एक वीडियो आएंगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, बीच में मैं डाल सकता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि कल से सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की मेरी पढ़ाई शुरू हो रही है, क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो अब बिजी होने वाला हूँ थोड़ा सा। आप सब पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने में कुछ आपका जाता नहीं है, लाइक करेंगे ना तो क्या होगा, मेरा ये जो वीडियो है ना, YouTube दूसरों को रिकमेंड करेगा और उनकी भी हेल्प होगी और मेरा थोड़ा चैनल भी ग्रो करेगा। ओके, ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूं, मुझे अच्छा लगे बनाने में, पढ़ाने में आप सबको, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ये नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो कितना दिन तक शेयर करेंगे आपको यहाँ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ओके, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।